ओवरसीज टीमें हैं उनके लिए भारत या एशियाई उपमहाद्वीप में गेंदबाजी करना और स्पिन को खेलना वास्तव में एक अबूझ पहेली साबित होता रहा है लंबे समय से। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए जितनी भी ओवरसीज टीमें आती हैं उसके कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो आईसीसी एकेडमी में जाते हैं दुबई, वहां वो प्रैक्टिस करते हैं, साथ में वो स्पिन कंसल्टेंट रखते हैं, डाटा एनालिस्ट रखते हैं, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों को, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, बांग्लादेश या श्रीलंका के खिलाड़ियों को इसकी कतई कोई जरूरत नहीं है। वो अपने यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, पूरी तरह से सक्षम है। अब आप आर अश्विन को ही लीजिए, आर अश्विन में जो खूबियां हैं, जो खासियतें हैं, उसके बदौलत वो अकेले एक छत्र राज कर रहे हैं। आप देखिए, दो मुकाबले हुए हैं, दो मुकाबलों में उन्होंने अपने स्पिन से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बिल्कुल अपनी स्पिन की के जाल में उलझा दिया है। 17 विकेट वो चटका चुके हैं दो मैचों में, और उनकी सबसे बड़ी जो खूबी है वो है कैरम बॉल। अभी तक तो वो वनडे और T20 में उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वो टेस्ट क्रिकेट में भी इसका बखूबी इस्तेमाल करने लगे हैं एक स्ट्रेटजी के तहत। और दूसरी बड़ी खूबी है कि अपनी सीम को वो पूरी तरह से छिपा लेते हैं, और जैसे आपने तमिलनाडु क्रिकेट लीग में भी देखा होगा कि वो वहां रुक जाते हैं, रुक कर फिर आखिरी मोमेंट पर अपना दिशा परिवर्तन करते हैं, लेंथ में परिवर्तन करते हैं। और ये लेंथ परिवर्तन जो है ना, ये खासकर जो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं उनके लिए बहुत ही परेशानी का सबब है। चाहे आप डेविड वार्नर देखिए, उनको उन्होंने 10 बार आउट किया टेस्ट क्रिकेट में, और यदि आप इनको बेन स्टोक्स को देखेंगे, उनको भी उन्होंने 10 बार आउट किया है, और इस सीरीज से पहले 8 बार, और जहां पर आकर वो 2 बार आउट कर चुके हैं। कुल मिलाकर 19 पारियों में अगर कोई खिलाड़ी 10 बार आउट होता है, 9 बार, सब मजे की बात यह है कि वो फ्रंट फुट पर आउट हुए हैं 9 बार, और 18 पारियों में महज 1 बार आउट हुए हैं बैक फुट पर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रंट फुट पर किसी भी बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अश्विन का सामना करना आसान नहीं है, क्योंकि अश्विन जो कैरम बॉल करते हैं वही बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑफ स्पिन हो जाती है। यानी कैरम बॉल में जो लेग से घूमती हुई अंदर की तरफ आती है वहां वो ऑफ स्पिन हो जाती है, जो उनके लिए बहुत परेशानी का सबब होती है। उसमें टर्न होता है, हल्का सा उछाल होता है, और लेंथ में लगातार परिवर्तन करते हैं। आप बेन स्टोक्स को देखिए, पहली पारी में जो दूसरे टेस्ट की पहली पारी में वो आउट हुए, वो गेंद जो है अवे स्पिन हो रही थी, दूर जा रही थी, और दूसरे मौके पर उन्होंने जो उनको आउट किया दूसरी पारी में, उसमें गेंद जो है थोड़ी सी पीछे उन्होंने रखी थी, जिसमें वो आगे बढ़कर स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, रोकना चाह रहे थे गेंद को, लेकिन गेंद टर्न हुई और वो आउट हो गए। तो ये है अश्विन की कुछ खूबियां, और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय विकेटों पर अश्विन से ज्यादा कहर बरपाने वाला कोई गेंदबाज नहीं है, क्योंकि अश्विन ने 8 बार भारत में आउट किया है बेन स्टोक्स को, और 2 बार, महज 2 बार, इंग्लैंड में जाकर उनको आउट किया है। तो इंडिया में खेलना और उनको फ्रंट फुट पर खेलना बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत चुनौतीपूर्ण है, और अब तक वो 200 से ज्यादा खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाजों को अपना शिकार बना चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और मुथैया मुरलीधरन के 192 बाएं हाथ के बल्लेबाजों को आउट करने के रिकॉर्ड को उन्होंने पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे में ध्वस्त किया था। आप क्या सोचते हैं उनकी इस खूबी के बारे में, और कैसे बाएं हाथ के बल्लेबाज उनका सामना कर सकते हैं, अपने आप को बचाकर खेल सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।